नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रोचन में गेमर में। आज मैं फिर से खेलने जा रहा हूँ पेलोड 2.0। और इस मैच में ना हमारे एक टीममेट पहले ही ऑफलाइन हो गया। भाई क्या करते हैं ये, मेरे को कल को मार रहे हैं। और इसका छोड़ो भाई, इसलिए मेरे को नए टीममेट्स पे ज़रा भी विश्वास नहीं है, क्योंकि इसलिए मैं इससे पहले भी दो चार मैच खेला, मेरे ही टीममेट्स ने मेरे पे आरपीजी चला के मुझे जानबूझ के मार दिया। भाई एक बार गलती से चल गई ठीक है भाई, लेकिन दो चार बार मेरे पर ही हमला, इसलिए मुझे तो इनके ऊपर ज़रा भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि चलो मिलिट्री बेस ही चलते हैं, यहाँ पर ये मिल्टा सेंटर को कुछ है वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर कोई बंदा आया तो उसे फाइट करने की कोशिश करेंगे। मैं अभी इतना प्रो भी नहीं हूँ कि 2000 बंदों को ऐसे लड़ू। प्रो प्लेयर्स तो ये बहुत सारे सालों से खेल रहे हैं, मैं इतना नहीं खेल रहा हूँ यार। आप अगर प्रो हो तो मुझे कमेंट करके बताना आपको नूब से प्रो बनने में कितना टाइम लगा। मैं तो अभी ये गेम खेल रहा हूँ 2 ही महीने हो रहे हैं, ये अभी 3रा महीना चालू हो चुका है शायद। तो मैंने सोचा कि वहाँ पर चलूँगा, लेकिन ये देखो मुझे कब इसने फॉलो कर लिया, मैंने इसको कब फॉलो कर लिया और ये कहाँ पर उतर रहा है। इसने भी वहीं पे मार्क करा था जहाँ पर मैंने किया है देखो, और इसके बावजूद भी ये कहाँ उतर रहा है। तो मुझे लगा कि भैया ढंग से उतारेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि बंदों को उतरना ही नहीं रहता, आराम से आएंगे। और आराम से आने के चक्कर में कोई बंदा ऊपर नीचे उतरने से पहले ही नीचे उतरते ही गन से स्वागत, तो भाई हम यहाँ से उतर जाते। लेकिन ये देखो कितने आराम से उतार रहा है। अरे भैया ये इसमें हमको फाइट करना होता है, तो मैं जल्दी से इसको अनफॉलो करके नीचे उतर जाता हूँ, क्योंकि पता नहीं ये कितनी देर में नीचे उतरेगा। तब तक भैया मैं लूट करके आराम से बंदूक के पास लेना चला जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ लूट करने के लिए, आगे बढ़ता हूँ। मुझे यहाँ पर एक पेन मिलता है और यहाँ पर एक आरपीजी मिलती है। मुझे यहाँ पर किसी के फुटस्टेप की आवाज़ आती है, तो ये एक बॉट होता है। मैंने उसके ऊपर चलाने की कोशिश की, लेकिन चली नहीं। ये मुझसे डर के भागने की कोशिश करता है, मैं वापस उसके ऊपर चला देता हूँ। निशाना चुकता है लेकिन मर जरूर जाता है। लगता है इसकी स्क्वाड के बंदों को दूसरे किसी ने मार डाला। इसके पास तो कुछ नहीं था, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ और लूट करने के लिए। यहाँ पर मुझे M16 मिलती है और एक बॉट, तो इस बॉट को भी मैं जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ। और ये देखो मुझे इनके ऊपर ज़रा विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे लगा कि भाई ये मेरे पर ही कई बम न फोड़ डाले, इसलिए मैं यहाँ से दूसरी जगह और थोड़ी सी लूट करने के लिए जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास टोपा तो बिल्कुल भी नहीं था और बैग भी नहीं था। तो मैं थोड़ी और जगह पर लूट करने के लिए निकल जाता हूँ। मैं लूट करके थोड़ा सा आगे जाता हूँ, तब तक एक नंबर आ जाता है गाड़ी लेके। तो मैंने सोचा चलो इसी के साथ थोड़ी देर चल लेते हैं, लेकिन भैया ये मुझे ड्राइवर बना देते हैं। मुझे लगा गलती से इसने सीट चेंज कर दी होगी, लेकिन नहीं, इसे तो मुझे ड्राइवर बनाना था। तो मैं यहाँ पर आगे जाता हूँ और ये देखो एक फायर वाली गाड़ी और उसके आगे हेलीकॉप्टर। मतलब मैं इतनी देर से बहुत देर से व्हीकल ढूंढ रहा था, मुझे एक भी व्हीकल नहीं मिला। और ये देखो हेलीकॉप्टर गाड़ी के साथ साथ हेलीकॉप्टर फ्री, तो ये इधर बैठ देता है और मुझे ड्राइविंग दे देता है। तो मैंने सोचा कि चलो कोचिंग की साइड में चलते हैं, वहीं पर अपना एक टीममेट है। सोचा मैं इसका रिएक्शन देखना चाहता था कि क्या ये उसको अपने साथ बिठाएगा या खुद ही मेरे साथ चलते रहेगा, क्योंकि अलग अलग बंदे मिलते हैं भाई। तो ये इधर मार्क लोकेशन कर रहा था, तो मुझे समझ गया कि ये चाहता है कि मैं नीचे उतरूँ उस टीममेट को साथ लेने के लिए, तो मैं इधर उतर जाता हूँ। लेकिन ये हेलीकॉप्टर है कि बार बार हवा में उड़े रहता है, तो मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ हेलीकॉप्टर के अंदर से। ये मेरे पास हेल्थ किट मांग रहा होता है, तो मैं इसको हेल्थ किट दे देता हूँ, क्योंकि ये भी एक बंदे के साथ फाइट कर रहा था, तब उसकी हेल्थ कम हो गई। मेरे पास स्कोप के नाम पर सिर्फ होलोस्कोप था और 2 नंबर ने यहाँ पर किसी एक बंदे को मार डाला था। एक नंबर मुझे गाड़ी में हेलीकॉप्टर के अंदर बैठने के लिए बोलता है, तो मैं 2 नंबर के पास चले जाता हूँ। क्या पता 2 नंबर भी हमारे हेलीकॉप्टर में बैठ जाए और हम साथ में कोचिंग में चले। तो मैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर नीचे उतरता हूँ। आपको मेरी पायलटिंग कैसी लगी, पायलटिंग क्या बोल रहा हूँ, मैं पायलट कैसा हूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो मैं यहाँ पर नीचे उतरता हूँ, मुझे लगा कि भाई ये नीचे हमारे साथ आएगा, लेकिन ये देखो ये क्या कर रहे हैं। भाई ये कोई आखिरी जोन नहीं है जो तुम यहाँ पर लेट जाओगे। मैंने सोचा चलो इसकी पेट में इसने कुछ छोड़ा होगा, तो कुछ भी नहीं छोड़ा। तो मैं जल्दी से हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ देता हूँ। मैं जैसे बैठता हूँ ये हेलीकॉप्टर में, पहले तो ये ड्राइविंग कर रहा था, बाद में मुझे ड्राइविंग दे दी। तो मैं यहाँ पर कोचिंग के पास चलने जाता हूँ।
हम कोचिंग की में जा ही रहे होते तभी मेरे को दिख जाता है एक और बंदा। मैं उसको बोलता हूँ कि इधर एक हेलीकॉप्टर वाला बंदा है उसके ऊपर मार, मतलब मैं इसके साथ बात तो नहीं कर रहा होता हूँ। मुझे लगा कि ये सीट चेंज करके मारेगा, मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं था कि इसमें एक्चुअली 3 गन्स होती है, 2 मशीन गन, एक राइट में होती है, एक सामने ही होती है पायलट के सामने बाजू में, और ये किसी ने किसी दूसरे बंदे पर रेड जोन कर दिया है। इसमें एक एयर स्ट्राइक बीकन मिलता है, किसी दिन अगर मुझे मिला वो बीकन तो मैं आपको दिखा दूँगा। तो वो बंदे तो हमारे हाथ से निकल जाते हैं, हम वापस यहाँ पर आते हैं तो मुझे एक और हेलीकॉप्टर वाला बंदा दिख जाता है जिसका हेलीकॉप्टर थोड़ा डैमेज हो गया, और ये मेरे को इतना हेलीकॉप्टर चलाने का आदत नहीं है, और ये भैया ये फायर ही नहीं कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो, फायर कौन करेगा मेरे भाई, फायर कर दे, एक फायर में ही ख़त्म हो जाएगा वो। इसके हेलीकॉप्टर से बहुत धुआँ निकल रहा है, मैं इसके पीछे जाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे हेलीकॉप्टर में ज़्यादा स्पीड ही नहीं इतनी होती है, तो मैं पीछे आने का ही डिसाइड कर लेता हूँ। यहाँ पूछें कि मैं लूट कर ही रहा था तभी एक बंदा आ जाता है। अब ये बंदा था बॉट था, मेरे हिसाब से तो बॉट ही था ये, देखो। मैं उसके ऊपर एक एम का पूरा स्प्रे दे देता हूँ और एक एम से उसको पूरा फिनिश भी कर देता हूँ। और यहाँ पर मुझे दिख जाते हैं M416, ये मेरे लिए M416 लेके आया था। मैंने सोचा एक एम की गोली का मैं M4 ही ले लेते हैं, थोड़ी लॉन्ग रेंज में, थोड़ी सी लॉन्ग रेंज में ही सही काम आ जाएगी। मैंने देखा आसपास कोई भी बंदा नहीं है, और ऊपर मेरी ऊपर पड़ी थी मेरी सबसे फेवरेट तोप। अभी क्यों मेरी फेवरेट है ये आपको वीडियो के आगे पता चल जाएगा, तो मैं अपनी फेवरेट तोप को उठा लेता हूँ और यहाँ से आगे निकल जाता हूँ। मैंने सोचा हेलीकॉप्टर से स्कूल की तरफ जाएंगे, लेकिन 2 नंबर तो अकेला ही जाने की कोशिश कर रहा होता है। मैं 2 नंबर को बोलता हूँ भाई नीचे उतार ले, भाई नीचे उतार ले। मुझे तो मन कर रहा था इसी RPG से इसका हेलीकॉप्टर, मैं इसको हेलीकॉप्टर के साथ ही उड़ा डालूँ। इस मैप में आपको सुपर वेपन क्रेट मिलते हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ सुपर वेपन क्रेट में क्या मिलता है सभी को पता है, अच्छी खासी सुपर वेपन। तो मैं इधर गेट इन कर देता हूँ और 1 नंबर आ रहा होता है, और 2 नंबर को ज़्यादा ही कुछ जल्दी होती है। मैं उसको बोलता हूँ नीचे उतार ले भाई, उसको भी साथ में ले लेंगे, उसको भी साथ में ले लेंगे, सबको साथ में जाना पड़ेगा भाई, 3 ही बंदे बचे हैं हम लोग। आखिर में भैया ये हमारा एक बंदा भाई शहीद हो जाता है, और आपको स्कूल में पता नहीं इतनी तबाही मची है भाई, कितनी तबाही। मेरे को स्कूल कम युद्ध कम मैदान ज़्यादा लग रहा था। यहाँ पर एक बंदा भाग रहा होता है अपनी गाड़ी से, तो मैं उसके ऊपर टारगेट लॉक करके मार दूँ, टारगेट लॉक तो नहीं होता है, और वो बंदा क्या कर रहा है मेरे को पता नहीं, कहाँ पे जाके छुप गया भाई, गाड़ी से उतर गया कहाँ पे छुप गया। मैंने उसके ऊपर गाड़ी पर फिर से एम किया और ख़त्म गाड़ी पर मार दिया, लेकिन ये आर्मर्ड व्हीकल है, 2-4 वार में नहीं ख़त्म होने वाला है, इसके लिए तो भैया 4-5 चलानी पड़ेगी। मैं इधर देखता हूँ कि आसपास नीचे कहाँ पर बंदे हैं भाई, कहाँ पर हैं हम आसपास नीचे देखते हैं, लेकिन भैया पता ही नहीं ये कहाँ पर जाके छुप गया। हम यहाँ पर से इस अपार्टमेंट्स की तरफ आ जाते हैं और हमारे ऊपर तभी कोई फायर कर देता है, मेरे HP किसी ने कम कर दिए। देखो भैया इतने सारे हेलीकॉप्टर नीचे गए पड़े हुए हैं भाई, वो जल के। मैंने बोला भाई उधर नहीं दूसरी तरफ निकल लेते हैं भाई नीचे, मुझे इस बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा दिख जाता है। मैं बोलता हूँ कि इस बिल्डिंग के ऊपर कहीं पर तो बंदा छुप के बैठा है भाई, छत के ऊपर बंदा होता है, और मुझे नहीं पता है कौन बंदा है भाई क्या है, सिर्फ एक ही बंदा होता है इसमें, इस पूरे के पूरे अपार्टमेंट्स में सिर्फ एक ही बंदा होता है। ये देखो मेरे पे RPG चला रहा है, मैं तो इस बस के पीछे चुपके बैठा था, मैंने सोचा कि चलो कोल्ड ड्रिंक अपना बूस्ट फुल करके हेल्थ भी फुल कर लूँगा, और यहाँ पर उसका इंतज़ार करने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं इधर बैठ जाता हूँ। मैंने सोचा कि अब बस बहुत हुआ, मैं अंदर जा रहा हूँ भाई यहाँ मैं, लेकिन मेरे ऊपर ही वो फायर कर देता है। अब मैं वापस बस के पीछे छुप जाता हूँ, मुझे पता नहीं भाई कहाँ पे छुप के बैठा है भाई, उसने शायद अपनी लोकेशन चेंज कर दी होगी, तो मैं यहाँ पर वापस से हील करने लग जाता हूँ। मुझे वहाँ पेड़ के पीछे एक बंदा दिखता है, मैंने सोचा कि उसको मारूंगा भाई, वो असल में वो बॉट होता है, क्योंकि फायर देने के बावजूद कहीं छुप नहीं रहा है, इसका मतलब वो बॉट ही है। मैंने सोचा कि यहाँ से फायर कर दूंगा, क्या पता गलती से ही सही उसके ऊपर मिसाइल लग जाए, लेकिन उसके ऊपर मिसाइल लगती ही नहीं। मैं अपार्टमेंट्स वाले बंदे का इंतज़ार करता हूँ कि कब, क्या पता पूरी स्क्वाड हो या फिर अकेला हो तो भागने की कोशिश करेगा। मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक स्टन ग्रेनेड ट्राई किया जाए, तो मैं पहले ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करता हूँ, मैं ज़्यादा फेंकता नहीं हूँ, पहला स्टन ग्रेनेड मेरे पूरी चल जाता है। चलो सोचा कि एक और स्टन ग्रेनेड बचा है, चलो उसके ऊपर फेंकने की फिर से कोशिश करता हूँ, इस बार फेंक भी देता हूँ, मेरे ऊपर में नहीं पड़ता। लेकिन भैया अब पता नहीं कि ये कहाँ पर जाके छुप गया है, आगे जाने में खतरा है, तो मेरे मन से आवाज़ आती है कि ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर
अपने कदम पीछे हटा लें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। यही सोच के मैं वापस पीछे भाग जाता हूँ। मेरे इस घर में वैसे मेरे दो टीममेट्स पहले बैठे हुए होते हैं, तो मैं अपने टीममेट्स के पास ही जाता हूँ और मैं इंतज़ार करता हूँ कि क्या पता कहीं पर अपनी मुंडी दिखा दे और उसको यहाँ से ख़त्म कर दे। मेरे दो बंदे इधर ही बैठे होते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो दूसरी तरफ से जाके चेक करेंगे। हम यहाँ पर चेक कर ही रहे होते तभी हमको हेलीकॉप्टर का साउंड आता है। मेरा टीममेट बाहर जाके उसके ऊपर थोड़ा फायर देने की कोशिश करता है। मैं भी देखता हूँ कहाँ पर है भैया, कहाँ पर है। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से नीचे उतर जाता हूँ और अपनी तोप बाहर निकल लेता हूँ। यहाँ से मेरे को जाते हुए दिखता है, मैं अपनी तोप निकालता हूँ, उसके ऊपर टारगेट कर देता हूँ। टारगेट लॉक होते ही फायर। आपको क्या लगता है कि वो मेरी मिसाइल से बच पाएगा या फिर मिसाइल से ख़त्म हो जाएगा? वीडियो पॉज करके जल्दी से कमेंट में लिखो। और ये देखो ख़त्म। इसीलिए ये तो मेरी सबसे फेवरेट तो है, क्योंकि इसके मिसाइल से बचना मुश्किल नहीं ना मुमकिन है। अगर मिसाइल एक बार किसी टारगेट पे लॉक हो गई तो टारगेट को ख़त्म ही करके रुकेगी। तो हम यहाँ पर और इंतज़ार करते हैं, वो हमारे ऊपर गुस्से में फायर कर देता है। पता नहीं किस लिए फायर कर रहा था, भाई हम बाहर निकले इसलिए या फिर ये उसी के टीममेट थे उसको मारा इसलिए। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मेरा टीममेट बोलता है कि इसको चलो रोटेट करके मारते हैं, यहाँ पर इस बिल्डिंग में शायद छुपा होगा। तो हम यहाँ से घूमते हुए यहाँ से जाते हैं। क्या पता यहाँ पर कहीं छुपा हुआ वो बंदा। हम यहाँ से ऊपर जा ही रहे होते तभी भैया हमारे टीममेट को वो RPG मार के नॉक कर देते हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई नीचा नीचा नीचा, क्योंकि अगर वहाँ पर ये देखो, अगर मैं उसको रिवाइव देने जाता तो मैं खुद रिवाइव मांगने के लायक बन जाता। मैं उसको बोलता हूँ कि यहाँ पर रुको, इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं और फिर तुमको ज़िंदा कर देंगे, क्योंकि इसमें ज़िंदा भी कर सकते हैं अपने टीममेट को। मैंने सोचा कि इसका क्या किया जाए, मेरे पास कोई ग्रेनेड वगैरह तो था नहीं, बचे थे तो सिर्फ एक ही स्मोक ग्रेनेड था, एक या दो पता नहीं। मैं इतना इन्वेंटरी में ध्यान नहीं देता, मेरा इतना ध्यान नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि चलो ये एक स्मोक बचा है तो इस स्मोक का मैं क्या करूँ, मैं बचते रहता हूँ यहाँ पर। तो हम भाई निराश हो जाते हैं। वो बंदा लगता है ऊपर से नीचे कूद के भाग गया था। यहाँ पर जोन भी आ रहा था तो मैंने अपने टीममेट से कहा कि उसको छोड़ दें, जोन में चल दें, क्योंकि हमारे अलावा सिर्फ छः बंदे बचे हुए हैं। मैं भी क्या देख रहा हूँ, 6 बंदे बचे होते तो मैं यहाँ पर नीचे कूद जाता हूँ। सोचा स्कूल की बिल्डिंग में छुप जाऊँगा और अगर बंदे मिले तो उनसे भी फाइट ले लूँगा। मैंने पहले सोचा कि चलो जोन का चक्कर छोड़ते हैं, सीधा हम अपने टीममेट को जिंदा करने के लिए चलेंगे। लेकिन भैया इतना दूर था वो टावर कि मैं जिंदा कर ही नहीं सकता था, तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। नंबर एक भी मेरे पीछे पीछे आ जाता है, वो नंबर एक पे फायर कर देता है। वो नंबर एक की हेल्थ कब कम हो जाती है मुझे पता ही नहीं। और मैं जब यहाँ पर दीवार के पास पहुँचता हूँ उसकी नज़र मेरे पे पड़ती है और मेरे पे फायर कर देता है। और भैया मैं यहाँ से भागते भागते सीधे यहाँ पर यहाँ के प्रॉन हो जाता हूँ, उसमें सीधा लेट जाता हूँ, मुझे क्या पता था। और वो बंदा जोन के बीच में मरने वाला होता है, मैं उसको उधर ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि भैया वो तो अभी जोन से ख़त्म हो जाएगा। जब उसकी हीलिंग ख़त्म तब धीरे धीरे जोन भी उसको खा जाएगा। एक नंबर की बहुत कम अच्छी होती है, मुझसे भी ज़्यादा कुछ कम होती है। तो मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, पट्टियाँ थी तो मैं पट्टियाँ सीधा लगाना शुरू कर देता हूँ। मैं और गाड़ी पे मार्क कर देता हूँ। यहाँ से मैंने सोचा कि चलो वहाँ पर पहाड़ी है तो पहाड़ी पर जाके छुप जाएंगे, फिर से ड्राइवर मैं बन जाता हूँ। तो मैंने सोचा कि इस सर्कल में घूमते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक मैच खेली थी। काश भैया मैंने वो मैच रिकॉर्ड कर ली थी, रिकॉर्ड कर लेता मैं यहाँ पर पहले पत्थर में ठोक देता हूँ। रिकॉर्ड कर ली थी, रिकॉर्ड की होती ना वो मैच तो भैया बड़ी कमाल की थी। मैं प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा देर खेलता हूँ, रिकॉर्ड मैं नहीं करते बैठता, मैं थोड़े से ही एक आध में रिकॉर्ड करता हूँ। तो यहाँ पर सर्कल में जब कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर कोई बंदा सांप बन के तो नहीं लेटा है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर गाड़ी रोक देते हैं। अब हमारे अलावा बचे थे सिर्फ और सिर्फ 3 ही बंदे,
एक बंदा तो वो वहाँ पर जून से लड़ रहा होगा और दो यहाँ पर कहीं छुप के बैठे होंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा हील कर लेता हूँ और अपने टीममेट से थोड़ी हीलिंग मांग लेता हूँ। क्या पता मुझे भी ज़रूरत पड़ी तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। पर देखता हूँ कि झाड़ियों के पास एक बंदा घूम रहा है। मैंने उसको खोलने की कोशिश की लेकिन मुझे तो सिर्फ झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं दिखा। मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि वहाँ पर मार्क कर देता हूँ, वहाँ पर एक बंदा है और मैं यहाँ पर आने की कोशिश करता हूँ। लेकिन पता नहीं मेरा नेट क्या लैग करता है और मेरा टीममेट उसको पूरा ख़त्म कर देता है। तो अब हमारे अलावा सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ था। तो शायद जो इधर घर में बचे हुए हैं उस घरों के अंदर छुपा हुआ होगा। लेकिन भैया हम भी देखो जोन में एकदम परफेक्ट बीच में खड़े हैं। अगर जोन आया तो ज़रूर यहाँ पर पहाड़ के ऊपर आने की ज़रूर वो कोशिश करेगा और हमारे यहाँ तो मारा जाएगा। मेरे टीममेट को आखिरी बंदा दिख जाता है और मेरे स्कोप के भैया इतनी सेंसिटिविटी कुछ खास नहीं होती, उसके वजह से भैया मेरे हाथों से वो बच जाता है। मेरा टीममेट उसके ऊपर आरपीजी फेंकता है। वो पहाड़ी का कवर उसको अच्छे से मिल रहा था, मुझे सिर्फ उसका टकला दिख रहा था। लेकिन टकले पर भी वो गोली नहीं लग रही थी। मेरा टीममेट साइड से जाता है और उसको मशीन गन से पूरा मिनी गन से पूरा ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। भैया मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यार। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।